जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जिस प्रकार से आप प्यार, सपोर्ट और समर्थन दे रहे हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी सकारात्मक वीडियो को देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप इसी तरह प्यार देते रहें। मैं बाबा भोलेनाथ से यही दुआ करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, हमेशा आनंद में रहें, आपके जीवन में वो तमाम खुशियाँ आए। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अमीर व्यक्ति की तीन निशानियाँ, मतलब अमीर जो व्यक्ति है उसकी कौन कौन सी तीन निशानियाँ होती है, उन निशानियों के ऊपर आज हम बात करेंगे। और ये बात करने के पीछे एक और रीज़न है, इसमें दो चीज़ें। पहला तो, या तो अभी जिस भी स्टेज में आप हैं, लेकिन अगर आप ये तीन निशानियाँ आपके पास है, तो आप आने वाले समय में ज़रूर अमीर और धनाढ्य होंगे। वो कौन सी तीन निशानियाँ हैं, उन निशानियों को आप आज समझें, उन पर काम भी कर सकते हैं आप और अमीर बन सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, सकारात्मक है और बहुत सारे जातकों में ये चीज़ ऑब्जर्व मैंने की है, उसके बाद मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। अब हम इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें आप। वो इसलिए करें ताकि आपको इसी तरह के सकारात्मक वीडियो हमेशा मिलते रहें, जिससे कि आपके जीवन में सकारात्मकता हमेशा आती रहे। और दूसरी बात है कि आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स में ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभो, जो भी आपको ईश्वर का नाम लिखना है वो नाम लिख कर ही अब आगे बढ़े। अगर कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो भी जितना अमीर व्यक्ति होता है वो अपने माता पिता का उतना बड़ा भक्त होता है। यहाँ से एक बात को बहुत गंभीरता से समझें, इस दुनिया में जो भी व्यक्ति जो अमीर और एक धनाढ्यता की ओर गया है, देखिए विरासत में किसी चीज़ को मिलना एक अलग बात है, लेकिन जो अर्श से फर्श तक गए हैं उसमें एक बहुत और कॉमन चीज़ है, वो अपने माता पिता का बहुत बड़ा भक्त रहता है। और हर एक व्यक्ति को अपने माता पिता का बहुत बड़ा भक्त होना चाहिए, क्योंकि वो जीते जागते भगवान है माँ और पिता। पहला सबसे बड़ी निशानी ये है दोस्तों। दूसरी निशानी है, जो इस युग में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली भी है, और ये जो निशानी है ये बहुत हद तक इससे ईश्वर सीधे प्रसन्न होता है। मतलब आप चाहे आप जो भी करते हों, पर अगर ये चीज़ आप में निशानियाँ है तो ईश्वर तुरंत खुश होता है। और वो जो निशानी है वह महिलाओं का सम्मान, जो महिलाओं के दिल से, आत्मा से, पूरी पवित्रता के साथ, निष्ठा के साथ सम्मान करता है, इसमें महिलाएँ भी शामिल हैं, वो दोस्तों आने वाले समय में अगर उसमें ये गुण है, बेशक माँ लक्ष्मी की उस पर असीमित कृपा होगी। और तीसरी जो निशानियाँ हैं वो सकारात्मक।